चीको तुम मत दौड़ो। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर से आपका। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे गांव निकलने के लिए, राजस्थान निकलने के लिए, और फाइनली तो नहीं, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी, दूसरे स्टेशन पहुँचे। इधर से वापस एक ट्रेन आएगी और उसमें बैठकर हम लोग जाएंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग 3:15 बजे करीब पहुँचे हैं, 3:15 की रात है, और ये सामने एक ट्रेन खड़ी है। और चीकू को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो सोया भी नहीं और ये बस पूरा टाइम पूरी रात खेलते ही रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक ट्रेन दिखी है, ये एक रॉयल ट्रेन है जो कि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम में देखी है। और अंदर से दिखे कितनी मस्त है ये ट्रेन। और इसमें इस ट्रेन का जो नाम है, इन लोगों ने सलून करके लिख रखा है। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी ट्रेन है गाइस, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी है ट्रेन। देखिए इसमें अंदर आपको केबिन दिख रहे होंगे, मतलब कितने मस्त केबिन दिख रहे हैं ये। और मतलब ऐसा एकदम घर वाली फील आ रही है, जैसे घर वाले भी नहीं, मतलब जैसे महल होते हैं ना, उस टाइप की फीलिंग आ रही है इसको देख के। और देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर सलून करके नाम दिए हुए हैं इन्होंने, और इसको ये लोग मतलब पैलेस ऑफ व्हील्स भी बोलते हैं। और साथ में देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे भी मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पेड़ पौधे देख के। और चीकू को तो नींद आ नहीं रही थी, चीकू के पापा भी जग रहे थे, मैं भी जग रही थी, और भी हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो हम लोगों को यहाँ पर आके मिल गए थे, इस वाले स्टेशन पे मिले थे। ट्रेन पे तो नहीं मिले थे वो लोग, तो वो लोग अंदर वेटिंग रूम में बैठे और हम लोग यहाँ बाहर मज़े कर रहे हैं। सुबह सुबह दोस्तों एक कबूतर भी दिख गया ऊपर, तो चीकू बोलता है इसका भी वीडियो बनाओ। और देखिए हमारी जो रॉयल ट्रेन है फाइनली इधर से जा रही है, हमें छोड़ के जा रही है। अब ये खड़ी थी तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, बाय बाय ट्रेन। तो दोस्तों देखिए फाइनली हमारी जो ट्रेन है जिसका हम वेट कर रहे थे रात भर से, वो ट्रेन आ चुकी है और उसमें हम लोग विराज चुके हैं। और चीकू की मस्ती तो ऐसे ही चालू रहती है, देखिए बस इसको तो इधर से उधर खेलना है। और हम लोग सब लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, मेरे हस्बैंड मेरी चाय लेके आ गए हैं, और ये बैठे हुए हैं मेरे भाभी जी, उनकी बहू हैं, मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं जो कि मैंने आपको बताया था ना कि हम लोगों को मिल गए थे, और भी हैं जो कि आगे वाले कोच में बैठे हुए थे। और हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक सब चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। और यहाँ पे सुबह सुबह एक कौवा भी दिख गया, ये देखिए दोस्तों। तो ट्रेन ने हमें हमारी जगह पर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी हम फाइनल डेस्टिनेशन पर अभी नहीं पहुँचे हैं, तो ऑटो करके अभी हम लोग निकलेंगे मेरे जेठ जी के यहाँ। तो जेठ जी के यहाँ जाएंगे, फिर उनके यहाँ थोड़ी देर स्टे करके फिर हम लोग गांव के लिए निकलेंगे। और देखिए फाइनली हम लोग घर भी पहुँच गए हैं, ये ऑटो वाले ने हम लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया है। और दोस्तों अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं और नाश्ता वास्ता करके फ्री हो चुके हैं। और ये हमारे शीनू जी हैं, मेरे जेठ जी का बेटा है, जो कि जब भी कोई भी काम करेगा ना उल्टा काम ही करेगा। अब ये देखिए अच्छी खासी साइकिल थी तो उसको पूरा सारा खोल के और पता नहीं क्या कर रहा है उसके साथ। और अब चीकू का अपना खेल चालू हो गया, जैसे कि आपको मालूम है कि चीकू को पानी में खेलना बहुत पसंद है। तो चीनू यहाँ पौधों में पानी आप लोगों को देख देख के और ये नए नए नाटक करेगा, चीनू कभी ये करना कभी वो करना, तो पौधों को पानी देने लग गया। तो फिर चीकू कैसे पीछे रहता, उसने बोला कि मैं भी पौधों को पानी दूंगा। और फिर ये नमन है, मेरा भांजा है, जो कि ये भी आया है, और हम सब लोग अब यहाँ से इकट्ठे होके, मेरे ननद जी भी आए हैं, और इकट्ठे होके हम लोग सब लोग गांव जाएंगे यहाँ से। और देखिए अब चीकू ये कौन सा खेल खेल रहा है, चीकू ने आज तक अभी तक तो इन 5 सालों में ये खेल नहीं खेला, लेकिन हमारे चीनू जी ने चीकू को ये खेल भी सिखा दिया है। तो चीनू एक तो इन दोनों के नाम भी सेम है, ये चीनू खेल रहा था तो चीकू बोला मेरे को भी खेलना है, तो मैंने बोला ठीक है खेलो। बाकी लोग तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला नहीं इसको खेलने दो, इसको भी तो सीखने दो ये सारे गेम। और देखिए उधर वो दौड़ रहा है, वो उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। चीको तुम मत दौड़ो। अब ये देखिए गाइस, बस ये खेल खेलना बाकी था चीकू का, धूल मिट्टी से खेल रहा, जितनी भी यहाँ पे धूल पड़ी हुई सबको इकट्ठी कर करके उसे पहाड़ जैसा बना रहा है। और मना किया तो गुस्सा करने लग गया, बोलता नहीं मेरे को तो खेलना है, खेलने दो। मैंने भी बोला ठीक है बेटा 2-3 दिन के लिए आए, खेलो जितना मिट्टी में खेलना है खेल लो, यहाँ तो मिलता नहीं खेलने के लिए। ये मेरे ननद जी हैं, और हम फाइनली ऑटो आ गया क्योंकि पास में ही गांव है, तो ऑटो में हम लोग सब लोग चले जाएंगे। कम लोग ही थे, मतलब इस बार ज़्यादा लोग नहीं थे, और फिर 2 बाइक भी थी तो बाइक से भी लोग आ रहे थे। तो हम लोग ऑटो करके अब ऑटो में बैठ कर गाँव के लिए निकलेंगे। और ये नमन है, ये डांस कर रहा है, ये मेरे
हस्बैंड जी आ गए हैं, सारा सामान ले सब, अपना अपना सामान देख लो। शुरू हो गई सही है, वो तो यही है, वो आप जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फाइनली दोस्तों हम लोग दोस्तों यहाँ से निकल चुके हैं और ऑटो में बैठे हुए हैं, सब लोग थे, इतना हंसी मजाक हो रहा था, इतना मज़ा आ रहा था गाइस, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा। जब मैं गाँव जाती हूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है, और चिकू को भी। और दोस्तों फाइनली हम लोग गांव पहुंच चुके हैं, और गांव आके सबसे पहले हम लोग सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने जाते हैं माता जी के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा, बाय बाय।